हेलो फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे ना। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए सो यू शुड हैव ए प्रिंसिपल्ड लाइफ। ये प्रिंसिपल्ड लाइफ का क्या मतलब, आप अपने जीवन को एक ऐसे धारा में डालिए, बिल्कुल इतने समय मेरे को पढ़ाई में देना है, इतने समय हबीज में देना है, इतने समय मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देना है, और मेरे लाइफ को एनरिच करने के लिए मेरे को क्या करना है उसके लिए कुछ समय देना है, और मेरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना समय चाहिए उसको भी मैं मतलब सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अगर ऐसे आपने मेंटेन किया थ्रू आउट योर लाइफ, द ड्यूरेशन में भी चेंज, तो आप देखना यू विल गेट सक्सेस वेरी इजीली इन योर लाइफ। इसी बात से आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सब कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? द वे और द मैनर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स इन एन एटम। हम लिखते हैं पहले, द वे और द मैनर इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज एटम नंबर 11, तो दैट 11 इलेक्ट्रॉन्स हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑन व्हिच प्रिंसिपल, ऑन व्हिच लॉ, हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड दोज ऑर्बिटल्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। आप समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कुछ प्रिंसिपल और लॉज के पर बेस है ना। सो वी हैव राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इज कैरिड आउट ऑन सर्टन फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल के पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होता है, यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स इन द एटम। समझ गए? तो पहला रूल कौन सा है? अफबाउस रूल। आप याद रखिए, दिस रूल सेज दैट इन एन एटम द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फास्ट। इसका मतलब क्या है? एटम में जो ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी होगा, द एनर्जी लेवल ऑफ दैट ऑर्बिटल विच इज द लोएस्ट, दैट विल बी फिल्ड फास्ट। समझ गए आप? मान लीजिए एस पी डी एफ ऑर्बिट डाले, सबसे एनर्जी लेवल किसका कम है? एस का है, तो एस पहले, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। तो इसको याद रखने के लिए कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, दैट इज द फॉर्मूला इज एन प्लस एल। लोएस्ट एनर्जी कैसे निकालेंगे? दैट इज एन प्लस एल।
एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर, समझ गए आप। ये एन प्लस एल जिसका कम होगा इट विल रिप्रेजेंट द लोएस्ट एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल। मान लीजिए हम लेते हैं 4s ऑर्बिटल लेते हैं और 3d ऑर्बिटल लेते हैं, तो 4s का n प्लस कितना होगा आप देखिए, n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, और s का कितना है हम जानते हैं 0, s का a, s का l का वैल्यू कितना है 0 है, तो कितना हो गया 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। हियर 3d का n इज इक्वल टू 3, n प्लस l, n का वैल्यू 3 और d का कितना 2, l वैल्यू कितना 2, l का वैल्यू s का 0, p का 1, d का 2, तो 3 2 इक्वल कितना हो गया 5। तो पहले कौन भरा जाएगा, पहले 4s ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसके बाद 3d ऑर्बिटल भरा जाएगा, बिकॉज़ 4s अकॉर्डिंग टू दिस रूल इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, आप समझ गए, और मिनिमम एनर्जी, और द एनर्जी ऑफ द 4s लेस देन 3d, सो पहले 4s भरा जाएगा उसके बाद 3d भरा जाएगा। मान लीजिए दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे 3p 4s, 3p का कितना वही लिखते हैं n plus l, 3p का कितना 1 is equal to 4, 4s का 4 वही n plus l लेते हैं, n plus l 4 plus s का कितना 0, तो यह कितना हो गया 4, ये दोनों का बराबर हो गया, 3p का 4 4s का 4, तो यह तो एनर्जी लेवल समान हो जाता है, तो यहां कौन भरा जाएगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है 3p का, सो 3p इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल और मिनिमम एनर्जी लेवल, समझ गए, तो 3p विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4s विल बी फिल्ड, समझ गए आप। तो जब भी द अबव्स प्रिंसिपल सेज दैट द ऑर्बिटल व्हिच इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, ये अबव्स प्रिंसिपल याद रखने के लिए हम ऐसे कैसे कितना निकालेंगे, हम उसको एक बिल्कुल अच्छा सा आइडिया है, अच्छा सा टेक्निक है, यू हैव टू रिमेंबर वेरी इजीली, आप देखिए कैसे टेक्निक है, ये फिगर आप इसको बनाइए, हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाया है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1s, ये क्या है 1s, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5G, 6X, 6P, 6D, 6F, 6G, 6X हमने बनाया है ना, CS तो नहीं होता, मैं इस चीज को नहीं मिटा देते, ऐसे ही आप देखिए पहले क्या करिए, आप इसको ऐसे एक एक तिरछा स्ट्रेट लाइन खींचिए, देख रहे हैं ना आप, दीज आर द ग्रिड्स ऑफ है, जैसे ग्रिड से 1 2 3 एक ग्रिड से स्क्वायर में, तो हमने इसको एंगल करके क्या किया, इसको लाइन खींचा, आप देखिए कैसे हम लाइन खींचा, तो उसके बाद क्या कीजिए, इसके ऐसे ही एक डायरेक्शन इसका दीजिए, समझ गए, मैं जैसे डायरेक्शन दे रहा हूँ आप वैसे इसको डायरेक्शन दीजिए, यानी नीचे की तरफ डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इसका जो आगे का भाग है इधर जॉइंट कर दीजिए, इसका भी इधर लेके इसको जॉइंट कर दीजिए, इसका भी
को लेके इधर जॉइंट कर दीजिए, इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको और सही जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर जॉइंट कर दीजिए, इधर लेके फिर इधर जॉइंट कर दीजिए, समझ गए, फिर इधर लेके फिर आप इसके पीछे जॉइंट कर दीजिए। ये बिल्कुल आसान है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, इसका आगे जाके उसका पीछे मिल जाएगा, है ना। तो हमने अभी बना दिया, समझ गए, ये वाला इधर से घूम गया, ये वाला भी इधर से घूम गया, ये वाला भी उधर से घूम गया, सारे घूम गए। तो क्या हुआ, इधर से जाके फिर इधर से घूम के फिर इधर से घूम ऐसे जा रहा है। तो अब इसी से देख लेंगे पहले कौन सा रहा, देखिए पहले कौन सा है 1s, उसके बाद कौन सा आ रहा है लेस देन 2s, उसके बाद कौन सा आ रहा है लेस देन 2p, उसके बाद कौन सा आ रहा है लेस देन, यहां देखिए आप 1s 2s 2s के बाद आ गया 2p 2p के बाद 3s लेस देन 3s 3s गया, फिर कौन सा आ गया लेस देन 3p 3p के बाद फिर कौन सा आया 4s लेस देन 4s 4s के बाद फिर ये लाइन गया कौन सा गया डी 3d 3d फिर लेस देन कौन सा आया 4p 4p के बाद कौन सा आया 5s 5s के बाद कौन सा आया देखिए आप 4d लेस देन 4d के बाद फिर 5p लेस देन कौन सा आया 6s 6s उसके बाद कौन सा आया 6s 4f आया लेस देन 4f लेस देन 5d 5d के बाद लेस देन 6p लेस देन 6p फिर 6p कौन सा आया 5f लेस देन 5f फिर लेस देन 6d 6d कौन सा आया 5g लेस देन 5g लेस देन 6f लेस देन 6g। आप देख रहे हैं, अगर हम इसको याद कर लेते हैं, मैं ऐसे ही कर लेते हैं, तो वी कैन राइट द ऑर्बिटल्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। 1s सबसे कम है, उसके बाद 2s उससे ज्यादा है, 2p उससे ज्यादा है। आप देखिए अभी हमने आप बता रहे थे 4s 3d 4s क्या होगा, पहले होगा देखिए 4s यहां पहले, उसके बाद 3d और 3p 4s, आप देखिए 3p 4s 3p नीचे पहले 4s उसके बाद, समझ गए। तो दिस n प्लस l फॉर्मूला is also applied on this. आप समझ गए, this is known as Abbas principle. This is the technique to know the Abbas principle or how to apply the Abbas principle in the fillings of the electrons or in the distribution of the electrons in the orbitals. समझ गए आप, कई बार क्लियर ना on the Abbas principle. The second rule क्या कहता है, any fundamental orbital cannot accommodate more than 2 electrons. यानी क्या है, मान लीजिए हम जानते हैं s orbital, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p का कितना फंडामेंटल ऑर्बिटल px py pz px py pz, इसमें मैक्सिमम कितना रह सकते हैं 6 रह सकते हैं, ठीक है ना। d का कितना है 5 है ना, हमने आपको बताया था dxy dyz dzx dx square minus y square dz square, 2 रह सकते हैं, समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। एवरी ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑर्बिटल है पीएक्स पीवाई पीजेड, ये पीएक्स 2 से 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका कारण क्या है, हम जानते हैं पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी 4 क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है, तो इनका स्पिन अलग हो जाएगा। तभी क्या होगा, एक फंडामेंटल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, समझ गए। अब तीसरा रूल क्या है, अब देखिए हम लिखते हैं हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या है, द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल विल बी फर्स्ट सिंगल फील्ड देन पेयरिंग ऑफर्स। ये क्या मतलब,
उन्होंने बोला द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल विल बी फर्स्ट सिंगल फिल देन पेयरिंग ऑकर्स। मान लीजिए हम पी का ले रहे, पी का कितना ऑर्बिटल्स, फंडामेंटल ऑर्बिटल तीन है, पी एक्स पी वाई पी जेड। उन्होंने कह रहे हैं पहले जब एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ इट हैपेंस, फर्स्ट इट विल बी सिंगल फिल्ड पी एक्स देन पी वाई देन पी जेड। मान लीजिए तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन कैसे होगा, पी एक्स में एक रहेगा, पी वाई में एक, पी जेड में एक। उसके बाद अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो और क्या क्या होगा, फिर पी एक्स में आके टू रहेगा। मान लीजिए चार है तो पी एक्स में दो रहेगा, पांच है तो इसमें फिर दो रहेगा, छह है तो इसमें फिर रहेगा। पहले क्या होगा, सिंगल फील्ड पहले रहेंगे, समझ गए। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एन सेवन का हम डिस्कस करते हैं, एन सेवन का, एन सेवन का क्या होगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री, समझ गए, साथ है ना, वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री। तो टू पी थ्री में कैसे अरेंज होगा, आप देखिए वन 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 पी एक्स पी वाई पी जेड, समझ गए। अगर ऑक्सीजन एट का हम लेते हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फोर, तो इधर कैसा होगा, अभी आपको बताया हमने, इधर दो हो जाएगा, इधर एक इधर, समझ गए। इसके बाद फ्लोरीन का अगर नाइन हम लेते हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फाइव, तो इधर कैसे हो जाएगा, हम यहाँ दिखा रहे हैं, इधर लेके ऐसा हो जाएगा, इधर दो, इधर दो, इधर एक। अगर आप हीलियम का टेन हो ले, सॉरी नियन का हम टेन लेते हैं, नियन का टेन, तो क्या होगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, तो क्या हो जाएगा, इधर ये बिल्कुल दो 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 हो जाएगा, समझ गए। तो ये वैसे ही भरा जाएगा, दिस इज नोन एज हॉन्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको आप याद रखिए। ये अगर हम बोलेंगे नहीं पहले एक दो भर जाएगा फिर बाद में एक भरेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज देखिए बच्चों इसका एक कारण क्या है, इसका क्या है, ये जब तीन इलेक्ट्रॉन पहले रहते हैं, ये इसको बोलते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये दोनों ही देखिए, ये घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर तीनों एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं घूमते हैं चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, दे आर इन द पैरेलल स्टेट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द पैरेलल स्टेट द मोर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर। अगर हम अपोजिट ले लेंगे, ये दोनों लेते हैं तो एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, यानी दोनों मैग्नेटिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना बैलेंस हो जाता है, तो ये पैरेलल स्टेट है, एक तरफ है तो ये पैरेलल स्टेट है। अभी जो मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ, एक बच्चा बता सकता है, वो पूछ सकता है, सर आप जो बता रहे हैं ये अभी पी एक्स पी वाई पी जेड, अच्छी तरह बच्चे समझिए इसको, पी एक्स पी वाई पी जेड, आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखा, दूसरे को ऐसे ही लिखा क्यों, ऐसे क्यों नहीं लिखा, उसको हटिंग द कॉज है ना, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर क्यों आपने इसको इधर लिखा, दूसरे का भी उसी तरफ लिख रहे, वही हमने जो बताया, बिकॉज इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग इन द पैरेलल द मिनिमम एनर्जी लेवल विल अकर। तो जब पैरेलल में रहते हैं तो एटम इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल और ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी स्टेबल। अगर एंटी पैरेलल ये इधर होगा, सभी चाहते हैं मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहे ना, तो एटम भी चाहता है मैं भी मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहूं और ऑर्बिटल भी चाहता है मैं मिनिमम एनर्जी पे लूं। तो मिनिमम एनर्जी पे रहने के लिए क्या होगा, यानी टू गेट मोर स्टेबिलिटी दे शुड रिवॉल्व इन द पैरेलल, तभी हमने इसको ऐसे लिखते हैं, एक को इधर एक को दूसरे को इधर नहीं लिख सकते, बिकॉज they want to remain in the parallel state so that they can attain the more stability condition. समझ गए आप, इसको आप याद रखिए, Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है। अभी हम चलते हैं next rule के पास। बच्चों देखिए next rule क्या है, stable configuration। It has been found out that the exactly half filled and full filled orbitals are more stable
क्या इसका मतलब? मान लीजिए NP3, समझ गए, ND5, NS1, NF7, समझ रहे, ये सारे हाफ फील्ड है, या NS2, NP6, ND10, NF14, ऑल आर हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। समझ गए इसका मतलब क्या है? क्योंकि P का मैक्सिमम कितना, S का कितना मैक्सिमम 2 हो सकता है, अभी इधर कितना 1 है, तो क्या होगा ये मैक्सिमम हाफ, इसका हाफ, इसका P का कितना 6, P का 3 मतलब इसका जस्ट हाफ फील्ड, इसका D का 10, इसका कितना 5, F का 14, F का कितना 7 हो गया हाफ। तो NS1, NS2 ये मोर स्टेबल, NP3, NP6 मोर स्टेबल, ND5, ND10 मोर स्टेबल, NF7, NF14 मोर स्टेबल, समझ गए। तो अभी क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स चाहते हैं कि भाई मेरा आधा हो जाए, मेरे को 14 चाहिए, मेरे पास 7 हो जाए, तो आई एम ऑल्सो स्टेबुलर, तो आई विल बी इन ए वेरी ट्रैंक्विलिटी मूड और वेरी स्टेबल कंडीशन, समझ गए। और जिसका 10 है, मान लीजिए डी ऑर्बिटल का 10 है, वो चाहता है मेरा 5 भी हो जाए, तो आई विल बी मोर स्टेबल, इसको आप याद रखना है। इसी के पर ऑन दिस रूल अगर हम क्रोमियम का लेते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24 है, तो इसका कितना होगा, अगर हम आर्गन लेते हैं 18 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 4s2 3d 18 2 20 4 कितना हो गया 24, आर्गन का 18 2 20 4 24 24 है। लेकिन बच्चों ये एक्चुअली होना चाहिए, दिस इज थियोरिटिकल है ना, प्रिंसिपल, लेकिन होता क्या है, ar 4s1 3D5 हो जाते हैं, दिस इज प्रैक्टिकल, क्यों, दिस इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। अभी 4s2 3d4 है, 4s2 में 3d4 3d चाहता है, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो क्या होगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, यानी आई विल बी वेरी स्टेबल। तो ये बोलता है, एस भी देखता है, अगर मेरे से एक चला जाए तो आई विल बी ऑल्सो मोर स्टेबल, आई विल बी ऑल्सो स्टेबल, आई एम नाउ ऑल्सो स्टेबल, अगर मेरे से कोई एक ले जाता है मैं भी खुश रहता हूँ, वो भी खुश रहता है, तो क्या करते हैं ये उसको भी एक देता है। बच्चों देखिए, नेचर भी चाहता है, अगर मैं खुश हूँ, मेरे पास कोई आदमी दुख में है, अगर मैं कुछ दे दूँ वो खुश है, मैं खुश हूँ, तो वो दे देता है, लेकिन हम इंसान नहीं देते ना, मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए, ये देखिए, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ नेचर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, वो चाहते हैं कि सभी खुश रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी चाहता है, ऑर्बिटल भी चाहता है, ऑर्बिटल 4s देखा, अरे यार मेरे से अगर एक चला जाए, मेरे से तो एक घट जाता है, लेकिन ऑल्सो आई एम हाफ फील्ड, मैं भी खुश रहूंगा और वो भी खुश रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम हमारे इंसान के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। और एक एग्जाम लेते हैं, कॉपर का, कॉपर का कितना है 29, समझ रहे हैं ना, कॉपर का कितना 29, तो अगर कॉपर का हम लेते हैं, इसका क्या होगा, OAR आर्गन 4s2 3d9, 18 2 20 9 29, ये भी क्या करता है, ये 4s का करता है, ये 4s1 हो जाता है, 3d10 हो जाता है, ये देखता है 4s देखता है, अगर मैं उसको एक दे देता हूं तो उसका 10 हो जाएगा, वो भी हैप्पी हो जाएगा, और मेरा एक घट जाएगा, मैं भी हैप्पी हो जाएगा, आप समझ गए, उसको देता है इधर, और क्रिटिकल कंडीशन, वो बोलता है मैं एक देता हूँ, वो नौ उसका बहुत है, मेरे से एक लेता है वो और खुश हो जाएगा, मैं और कम हो जाता है मैं भी खुश हूँ। तो आप देखिए, हमको नेचर भी सिखाता है, केमिस्ट्री यहाँ भी सिखाता है, उसको डोनेट टू कीप द सोसाइटी इन पीस, ओके। तो ये आप इसको याद रखिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये दिस इज बेस्ड ऑन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। आप देखते हैं उसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए बच्चों, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने बताया पीएक्स, पी का कितना पीएक्स पीवाई पीजेड है ना, यही है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सिमेट्रिक वे में रहते हैं, सिमेट्रिकल वे में रहते हैं, क्योंकि टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अभी हमने बताया आपको दिस इज पैरेलल, और क्या होता है एंटी पैरेलल हो जाता है, अगर पैरेलल रहेंगे तो क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल बहुत कम रहेगा, सो दे विल बी मोर स्टेबल, आप समझ गए। दूसरा, अच्छा यह भी क्वेश्चन आता है, सर पैरेलल रहेंगे तो क्यों उसका एनर्जी लेवल कम होगा, है ना, दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हर कोई नहीं पूछता, आप देखिए इसको, अगर पैरेलल रहते हैं
इसका एनर्जी लेवल क्यों कम हो जाता है, क्यों ये स्टेबल हो जाता है? पूछो इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ना। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऐसे ही घूम रहा है। अगर ये दोनों इधर से घूमेंगे, हम जानते हैं इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, बोथ विल कैंसिल ईच अदर। अगर ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये बराबर ऐसे ही रहते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, पैरेलल रहते हैं, बोथ क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन मीन्स एक बॉन्ड है। अगर अट्रैक्शन हो गया तो देयर इज क्रिएशन ऑफ बॉन्ड, हमने बताया था, अगर क्रिएशन ऑफ बॉन्ड क्रिएट्स एन एनर्जी, अगर बॉन्ड क्रिएट होता है तो इनका एनर्जी बढ़ जाता है, अगर बॉन्ड टूट जाता है तो क्या होता है, एनर्जी घट जाता है। तो जब बीच में पैरेलल रहते हैं तो इनका क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है क्या होता है, उनका एनर्जी घट जाता है। समझ गए आप, ये बिल्कुल भी अंदर का बात है, इसको समझिए, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन द ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज टेंड टू रिमेन इन सिमेट्रिक वे। जैसे यहां दिखाया हमने, ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, पूछो ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, इसको आप थोड़ा समझिए। मान लीजिए हम अभी कर रहे हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, और क्या होता है, डी का ले लेते हैं, डी का कितना, पांच, एक दो तीन चार पांच, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो यहां देखिए, पूछो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, आप समझ रहे हैं, और इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, आर द कंडीशंस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होगा, दैट विल लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल और द एटम। एक्सचेंज एनर्जी और ज्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, उसका स्टेट कम हो जाएगा, किसका कम हो जाएगा, ऑर्बिटल का कम हो जाएगा। कैसे एनर्जी, आप देखिए, मान लीजिए ये अभी पांच है, ये ऑल आर हाफ फील्ड, और ये तीन ऑर्बिटल है और हाफ फील्ड है ना। अगर ये तीनों में एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, अगर ये सेम ऑर्बिटल्स हैं, ये जब रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दोनों के साथ, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, या इधर एक्सचेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है, समझ गए। इधर भी क्या होगा, आप देखिए, अगर एक के साथ करते हैं, ये इधर आ सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, इधर आ सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इधर आ सकता है, इसके पास जगह भी जा सकता है, ये आ सकता है, ये भी जगह पे आ सकता है। तो एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज मैक्सिमम है अगर हाफ फील्ड है। अगर फुल फील्ड हो जाएगा तो वहां जाएगा नहीं। तो अगर हाफ फील्ड है, यानी सभी उसके पास ऑप्शन ज्यादा है, जो हमने परमुटेशन बता रहे बोल रहे हैं, यहाँ परमुटेशन ज्यादा हो जाता है, ये सभी के साथ मिल सकता है। अगर दो हाफ फुल फील्ड हो गए तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, बस इनके बीच में होगा, आप समझ गए। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अगर सभी फुल फील्ड हो जाते हैं भी, तो इधर से उधर जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। तो हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल हैपन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर अपनी जगह पाएगा ना, तो ट्रांजिशन विल होगा, ट्रांजिशन विल होगा मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है तो क्या होता है, जितना मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैक्सिमम, मोर स्टेबल, यू हैव राइट, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट ऑल्सो सैटिस्फाइज द हॉर्न्स रूल, है ना। हॉर्न्स रूल बता रहे थे ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो स्टेबिलिटी होगा। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या है, वही एक्सचेंज एनर्जी, और इधर जब डिस्कस किया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हॉर्न्स रूल का, इसको हम दो सब कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, आप समझ गए। यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दीज आर द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और अरेंज्ड
इन द ऑर्बिटल्स इन एन एटम। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए, कम से कम 1 से 40 तक एटम का आपने घर में बैठे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। अभी हम लिखते हैं 8-10 लिख लेते हैं। अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 1s1, ठीक है। हीलियम का कितना है 1s2, लिथियम का कितना है 1s2 2s1, समझ रहे हैं। उसके बाद बेरिलियम क्या है 1s2 2s2, बोरोन का क्या है 1s2 2s2 2p1, बोरोन का पर कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2p2 2p4, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, नियॉन का 1s2 2s2 2p6, जिनके पास सोडियम, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। वैसे ही आप बचे घर में बिल्कुल 40 तक करना है। अगर आप इसको 40 एलिमेंट का कर दिए, 50 एलिमेंट का कर दिए, तो आपको याद रह जाएगा हाउ टू कॉन्फिगर द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, समझ गए। दिस इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है जरूर, और ज्यादा आता है कौन सा, जो एक्सेप्शन कौन सा है, क्रोमियम और कॉपर। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिए। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, आयंस, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयंस हम लिख लेते हैं, वो आयंस काम कैसे, इट इज वेरी इजी। मान लीजिए Na प्लस हम लिख रहे हैं, Na प्लस इज एन आयन ऑफ सोडियम। Na प्लस का क्या मतलब है, सोडियम हैज गिवन वन इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट्स व्हाई इट इज Na प्लस आयन हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या घट गया है, तो इसका होना कितना चाहिए 11, अभी कितना है Na प्लस, Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे 1s2 2s2 2p6, समझ गए। ये जो 2p6 को हम इस भी लिख सकते हैं 2px 2py 2pz, इसमें कितना कितना होगा 2 2 2 6 4 10 2 2 4 10 10 10, समझ गए आप। यानी पहले हम दिखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, और फिर ओ टू माइनस अगर हम लिखते हैं, ओ टू माइनस लिखते हैं, ऑक्सीजन कितना दे ले रखा है 2 ले रखा है, तो ऑक्सीजन का कितना ओ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रखना है, तो माइनस है, तो कितना जो ऑक्सीजन का कितना 8 8, तो कितना हो गया O2 माइनस अगर लिखें कितना हो गया 10, तो कितना होगा 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, वही हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका होना चाहिए 8, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ले रखा है, जब आयन कन्वर्ट हुआ है O2 माइनस में, इट हैज टेकन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 कम से जाएंगे इससे हो जाएगा, आप समझ गए। तो इट्स वेरी इजी, जस्ट लाइक द एटम्स, आप ऐसे कर सकते हैं। कोई भी आयन का लेके पहले आयन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आयन यू हैव टू फाइंड आउट, जब आपको पता चलेगा उस आयन में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन गो फॉर दैट रूल, द बेसिक रूल इज अबव्स प्रिंसिपल। अगर वो एनर्जी लेवल आपने याद रख लिया कौन सा मिनिमम ज्यादा है, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली, ठीक है। अगर आपको लगा कि नहीं यार बाकी समझ गए, आप देखिए हमने जो बताया फंडामेंटल उसको आप याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट उसको आप याद रखिए। अगर आपको लगा नहीं बाकी आपने समझ गया व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो आप जरूर इसी वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने क्लासमेट के बीच में शेयर कीजिए, और केमिस्ट्री गंगा को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं हूँ आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।